हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल तन्नू की रेसिपी। आज हम आपके साथ शेयर करने आए हैं मिल्क पाउडर और नारियल के बुरादे की मिठाई, जो कि झटपट से बन जाती है, एकदम मार्केट जैसी बनती है और एकदम तीन चीज़ों से बनती है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इनको बनाने में, एकदम से बन जाती है और ये एकदम मार्केट जैसा टेक्स्चर आया। आप लोग को तो देख ही पता चल रहा होगा कितनी अच्छी लग रही है। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कर लेना। चलो अभी हम बताते हैं आपको ये कैसे बनाते हैं। इसके लिए ना हमने एक कटोरी ये मिल्क पाउडर लिया है और इसको हम ग्राइंडर में डाल देंगे, और एक कटोरी हमने ये रवा का पाउडर लिया है। इधर नारियल का बुरादा लिया है हमने एक कटोरी मिल्क पाउडर लिया था। एक आप एक बर्तन से आप अपना मेजरमेंट कर लीजिए, क्योंकि उससे अच्छा लगता है और प्रॉब्लम नहीं होता है बनाने मिठाई में। और इसको भी हम ग्राइंडर में डाल देते हैं। और इधर हम 3 से 4 चम्मच चीनी डालेंगे, क्योंकि मिल्क पाउडर मीठा होता है तो चीनी आप कम ही डालो, आपको जितना मीठा चाहिए आप उतना डालो। हमने इधर 4 चम्मच को हमने ले लिया है मिक्सर ग्राइंडर में, इसको भी डाल दिया चीनी को भी। 1 चम्मच हमने काजू का पाउडर लिया है, आपके पास ज़्यादा हो तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हो। और इसको ना मिक्सी में पीस लेते हैं इसको एक साथ मिक्स करके। इधर देखिए हमने फाइन पाउडर एकदम बारीक बना लिया है, एकदम मिक्सी से पीस के देखो एकदम कितना अच्छा लग रहा है, और एकदम से मावा की तरह फाइन पाउडर बना लिया है हमने। और इसको ना हम किसी भी बर्तन में अभी निकाल लेंगे, किसी भी बर्तन में इस हम पूरा निकाल लेंगे एक साथ। और अभी हमने इधर निकाल लिया है और इधर हमने आधी कटोरी दूध लिया है। इसको क्या करेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा हम दूध लेके इसमें डालेंगे, लगा के हम रख लेंगे। ना ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है ना ज़्यादा हार्ड लगाना है, हम थोड़ी थोड़ा सा दूध डाल के और इसको इस तरीके से हम लगा लेंगे। इधर हमने लगा के रेडी कर लिया है और इसको ना हम दो हिस्से में बांट लेंगे, इस तरीके से दो हिस्से में बांट लेंगे। और एक में क्या करेंगे, एक को अलग हटा के रख देंगे और एक में हम ना किसी भी कलर का आप लगा दो, फूड कलर इसमें लगाना है। इधर हमने ना रेड कलर का फूड कलर लिया है, आप किसी भी कलर का ले सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका लेना है ये अच्छा लगता है इसलिए हमने ये वाला लिया है। और इसको ना हम सारा फूड कलर को इसमें मिक्स कर देते हैं इस तरीके से आधे हिस्से में हम इसको मिक्स कर देते हैं। और अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा इसमें से पहले इनको रेड रेड को बॉल्स, छोटी छोटी सी हम बॉल्स बना लेंगे इनकी, एकदम छोटी छोटी बनाएंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे, छोटी छोटी सी बॉल्स हम इधर इस तरीके से रेड वाली सारी की बना के हम इस तरीके से रख लेंगे। और हम इधर वाइट वाले की भी इसकी भी इस तरीके से ऐसे लेंगे इस तरीके के, और इसकी ना हम बॉल्स बना लेंगे छोटी छोटी, इसी तरीके से छोटी छोटी इसकी भी हम बॉल्स बना लेंगे इस तरीके से इससे। और अभी वाइट वाले को लेके ना हम इस तरीके से फैला लेंगे, पतला पतला सा कर लेंगे, और इसके अंदर हम रेड वाली बॉल्स को रखेंगे, इसके अंदर रेड वाली बॉल इस तरीके से रख लेंगे। और इसको भी राउंड शेप में हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, इस तरीके से अंदर एकदम से पेड़ा टाइप का बना देंगे इस तरीके से। हमने वाइट वाली बॉल्स भी बना ली है और इस तरीके से ना इनको रख लेंगे, इस रेड वाली और वाइट वाली इस तरीके से रखेंगे और इनको ना हल्का सा प्रेस कर देंगे और इस तरीके से बॉल्स बनाएंगे, इनको ना पेड़ा की शेप दे देंगे इस तरीके से हाथ से पूरा अच्छे से घुमा देंगे इस तरीके से। और अभी ना क्या करेंगे, इस तरीके से इसका शेप देंगे इस तरीके से। सारे पेड़े को ना हम इसी तरीके से बना लेंगे, ऐसी शेप देके, आप चाहो तो दूसरी भी शेप दे सकते हो। और देखो कितना अच्छा बना हुआ है, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम से मार्केट जैसा। ये देखिए फ्रेंड, हमारी रेसिपी एकदम मिठाई की रेसिपी बन के रेडी हो गई है, एकदम मार्केट जैसी। आप लोगों को देख के पता चल रहा होगा एकदम कलर एकदम मार्केट जैसा आया है, और एकदम ये सबको घर में बहुत पसंद आने वाली है और तीन चीज़ों से ही बन जाती है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।